रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ पकौड़ों की। बारिश के साथ बारिश हो रही है और पकौड़े ना हो तो मज़ा नहीं है। ये मैंने एक पाव आलू लिए और 200 ग्राम प्याज लिया है। और 200 ग्राम पालक ली है। अच्छी तरह वॉश करना है पालक को, मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, खुले पानी से वॉश करें इसे। और 200 ग्राम मैंने बेसन लिया है, अच्छी तरह छान के साफ़ सुथरा करके फिर। और 5-6 हरी मिर्चें ली हैं, 1/2 चम्मच अजवाइन का लिया है, 1 चम्मच सूखा धनिया लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और 1/2 चम्मच सूखी मेथी ली है और 1 चम्मच मिर्च ली, 1.5 चम्मच मिर्च का ले लिया है, स्पाइसी हो तो अच्छा लगता है, और 1/2 चम्मच हल्दी का और 1/2 चम्मच गरम मसाले का और 1 चम्मच नमक का। अब पानी डालना है इसमें, मैं इसे बैटर घोल लूँ फिर मैं आपको मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखे बैटर घुल गया और मैं ये अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट देती हूँ और चूल्हा जलाती हूँ। मैंने घी ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए और बैटर ये मैं अपने पास ले आई। ये ऑयल अच्छी तरह गर्म होता है और मैं बीट डालती हूँ और मीडियम आग पे बनाना है अपना मज़ेदार लजीज पकौड़े। साथ चाय का मग हो और पकौड़े हों, मज़ा आ जाएगा बारिश में। ये एक एक पकौड़ा डालना है इसे। मैं इसकी साइड बदलाने लगी हूँ। अब ये देखिए कितने अच्छे, बड़ा केयरफुल हो के ना आपने साइड बदलानी है ये चूल्हे के साथ। जितने कम आप डालेंगे ना उतने अच्छी तरह कुक होंगे। डाली हैं अब दूसरा पूर मैंने डालने लगी हूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब मैं साइड बदलाने लगी आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसकी साइड बदलाने लगी हूँ और मैं आपको वो डिश आउट करके दिखाती हूँ। रहमान रहीम, ये देखें ये बन गए। अब मैं इसे निकालने लगी हूँ बाहर और डिश आउट करने लगी हूँ। ये दूसरा पूर मैंने निकाल लिया।
الرحیم الحمدللہ سے یہ پکوڑے میرے تیار ہو گئے ہیں میں نے ڈش آؤٹ کر دیے ہیں اور مزے سے کھائیں بارش کو انجوائے کریں اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں